फाइन स्ट्रेंथ, तो यस टेंस, टेंस का ये क्लास नंबर वन होने जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जिस स्टूडेंट्स को टेंस का पकड़ हो गया उसका इंग्लिश में बहुत अच्छा पकड़ हो जाएगा, स्पीच में, हाउ टू राइट ए परफेक्ट सेंटेंस, हाउ टू स्पीक ए परफेक्ट सेंटेंस, उसके लिए ज़रूरी है टेंस पे पकड़। तो टेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? टेंस इज नथिंग बट इट इज़ अ वर्ब। ये क्या है? वर्ब है, वर्ब बट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि समय के साथ किस तरह क्रिया किया जाता है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो हाउ वर्क कंप्लीट्स या हाउ वर्क प्रोग्रेसेस, कैसे काम को अंजाम दिया जा रहा है, क्या भूतकाल में हुआ है, क्या प्रेजेंट काल में हो रहा है, वर्तमान काल में हो रहा है, क्या ये फ्यूचर में होने जा रहा है। तो आखिर मुद्दा तो काम ही है और काम से ही समय जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? वर्ब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब वर्ब का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? वर्ब का मतलब होता है एक्शन, एक्शन, एक्शन जो समय के साथ किया जा रहा है वही क्या है? टेंस। समझ गया ना? वही क्या है? टेंस। तो इसका मतलब ये बात तो तय हुआ कि यदि आपको टेंस समझना है तो वर्ब का ज्ञान होना चाहिए, बिना वर्ब का आप टेंस नहीं हो सकता है, करेक्ट? समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? तो वर्ब का आपको कम से कम फेयर आइडिया तो होना ही चाहिए। तो चलो पहले वर्ब को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। देखो, लिखते रहोगे स्टूडेंट, तुम लोग लिखते भी रहोगे, टाइम नहीं है, राइट डाउन एवरीथिंग इन योर कॉपी। वर्ब देखो, वर्ब को बेसिकली हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, मेन वर्ब एंड योर ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, आप मेन वर्ब को भी दो भाग में डिवाइड कर सकते हो, एक को कह सकते हो ट्रांजिटिव वर्ब है, एक को कह सकते हो ट्रांजिटिव वर्ब है, और सेकंड वन इज योर इनट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड वन इज योर इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है कि जो अपने अंदर ऑब्जेक्ट को रखेगा, दैट कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखो, आई विजिटेड ए टेम्पल, आई विजिटेड ए टेम्पल, और यहां पे मैं लिखता हूं आई वेंट टू ए टेम्पल, आई वेंट टू ए टेम्पल। तो देखोगे विद्यार्थी लोग, ये जो विजिटेड वर्ड है, विजिटेड वर्ड के बाद टेम्पल अटैच है, तो ये विजिटेड वर्ड क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। यदि मेन वर्ब और नाउन के बीच में, यदि मेन वर्ब और नाउन के बीच में यदि प्रीपोजिशन आ गया, इसका मतलब वो वर्ब कैसा है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। वो वर्ब कैसा है? इनट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि वो अपने अंदर ऑब्जेक्ट को नहीं रख रहा है। देखो तो यहाँ पे वर्ब के बाद तुरंत आ गया ना नाउन, तो इसको क्या बोलेंगे? कि ये ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, यह सब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्ट है। सही बात है ना? हम लोग नाउन के चैप्टर में किए हैं ना बेसिक चीज, या फिर उसको वर्ब कंप्लीमेंट भी कह सकते हैं। सही बात है। बट ये जो वर्ब देखोगे, ये वर्ब क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? ऐसा क्यों इनट्रांजिटिव वर्ब है? क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया। जब प्रीपोजिशन बीच में आ जाएगा तो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट को अपने अंदर रख लेगा, वो फिर वो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनने नहीं देगा, ना ही वर्ब का वो ऑब्जेक्ट बनने देगा, वो अपना ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। सही बात है ना? ये जो ए टेम्पल देख रहे हो, ये किसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा? क्या वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा? नहीं, ये किसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा? प्रीपोजिशन का हो जाएगा। तो ऐसा वर्ब जहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट ना हो, जिसके अंदर अपना ऑब्जेक्ट ना हो, ऐसे वर्ब क्या कहते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ऐसा वर्ब जिसका अपना ऑब्जेक्ट हो, तो क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो मेन वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है और इनट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है। और मेन वर्ब का परिभाषा क्या है? मेन वर्ब का परिभाषा है जो कि वी वन से लेके वी फाइव तक का ट्रांजिशन कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, गो हो गया, वेंट हो गया,
गॉन हो गया, गोइंग हो गया और गोज हो गया, वो क्या है मेन वर्ब, क्योंकि वो भी वन से भी फाइव तक जा सकता है, समझ गया ना बात को। अब बात करते हैं हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का। हाँ, ऑक्सिलरी वर्ब देखो, ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब में डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब, सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब में, अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी तीन टाइप के होते हैं स्टूडेंट। कितने टाइप के? तीन टाइप के होते हैं। जैसे एग्जांपल देखोगे, टू बी फॉर्म, क्या है टू बी फॉर्म, टू डू फॉर्म एंड टू हैव फॉर्म, क्या है टू हैव फॉर्म। लिखते रहोगे तेजी से, टू डू फॉर्म का मतलब होता है, टू बी फॉर्म का मतलब होता है कोई चीज़ होना, होने का मतलब क्या हो गया, या तो एम हो सकता है इसमें, या तो इज हो सकता है, या तो आर हो सकता है, और यदि बात पुराना हो तो इसमें वॉज भी हो सकता है, साथ साथ वो भी हो सकता है, समझ गए ना। ये क्या है, टू बी फॉर्म है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का। टू डू फॉर्म क्या होगा, टू डू फॉर्म में डू हो सकता है, डिड हो सकता है, या हाँ डू के बाद डज लिखो बेटर रहेगा, डू हो सकता है, डज हो सकता है और डिड हो सकता है। इसका एप्लीकेशन हम लोग समझने का प्रयास करेंगे थोड़ी देर में। और टू हैव फॉर्म में क्या हो सकता है, हैज हो सकता है, हैव हो सकता है, और बात यदि पुराना हो, यदि पास्ट का बात हो तो क्या हो सकता है इसमें, हैड हो सकता है। चलो इसको फटाफट लिखोगे स्टूडेंट। और जहां तक सवाल है सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब का, तो सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब भी दो टाइप का हो सकता है। एक को हम लोग कहेंगे मॉडल्स और एक को कहेंगे हम लोग सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स, मॉडल्स एंड सेमी मॉडल्स। जैसे मॉडल्स हो गया, जैसे एग्जांपल देखो, सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सभी चीज क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब का मॉडल्स पार्ट हो जाएंगे। और जो सेमी मॉडल्स है, सेमी मॉडल्स के अंदर क्या हो जाएगा, नीड, डियर, ये सभी वर्ड, नीड हो गया, डियर हो गया और एक्सेट्रा लगा दो। तो सेमी मॉडल्स का मतलब क्या होता है, सेमी मॉडल्स का मतलब होता है कि उसके अंदर मॉडल्स का भी प्रॉपर्टी है और साथ साथ उसके अंदर मेन वर्ब का भी प्रॉपर्टी है। बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम, उसके अंदर मॉडल्स का ही प्रॉपर्टी है और सेमी मॉडल्स का ही और मेन वर्ब का भी प्रॉपर्टी है। तो पहले हमें समझना होगा कि मॉडल्स क्या होता है। मॉडल्स का मतलब है कि जो अपने आप स्टैंड नहीं कर सकता है, उसके साथ मेन वर्ब अटैच होना चाहिए। जैसे एग्जांपल समझो, यहाँ पे यू शुड कम टू द क्लास रेगुलरली। चलो एक सेंटेंस हमारा बताओ, मॉडल पहचानो, तो कौन सा मॉडल हो जाएगा यहाँ पे, दिस वन। तो यदि मैं इतना ही बोल दूं कि यू शुड टू द क्लास रेगुलरली, मीनिंग बैठेगा, नहीं बैठेगा जी। इसका यदि मीनिंग बैठाना है तो मेन वर्ब की जरूरत है यहाँ पे, यानी इसको बैसाखी की जरूरत है। ये अपने आप खड़ा नहीं हो सकता है। इसको यदि मीनिंग डिराइव करना है तो साइड में मेन वर्ब होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स को बैसाखी की जरूरत है और बैसाखी यहाँ पे कौन दे रहा है, मेन वर्ब दे रहा है, समझे। अब ये सेमी मॉडल्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये मेन वर्ब का भी रोल प्ले कर सकता है और साथ साथ मॉडल्स का भी रोल प्ले कर सकता है, यानी कि ये बैसाखी के साथ भी चल सकता है और बिना बैसाखी के साथ भी चल सकता है। जस्ट लाइक इट कैन बिहेव एज अ मेन वर्ब ऑल्सो, क्योंकि मेन वर्ब को नहीं चाहिए बैसाखी, तो ये मेन वर्ब की तरह भी एक्ट कर सकता है। इसलिए सेमी मॉडल्स लिखा गया है कि ये मेन वर्ब की तरह भी एक्ट कर सकता है, साथ साथ में मॉडल्स के रूप में भी एक्ट कर सकता है, समझे। चलो इसको लिख लो स्टूडेंट। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, चलो ही नीड्स माय असिस्टेंस, आई नीड टू विजिट देयर। अभी दो सेंटेंस देखना स्टूडेंट लोग,
ही नीड्स माय असिस्टेंस. ये जो नीड्स है यहां पे किस तरह काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरह. सही बात है ना, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है. बट ये देखो तो नीड किस तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहां विजिट है ना. जब पॉजिटिव सेंटेंस आता है तो नीड के साथ टू आता है, टू अटैच रहता है. तो ये नीड टू किस तरह काम कर रहा है, यहां पे मॉडल्स के रूप में काम कर रहा है. तो देखो यहां मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, यहां मॉडल्स के रूप में काम कर रहा है. तो वही मैं बता रहा हूं कि सेमी मॉडल जो है वो मॉडल के रूप में भी काम कर सकता है, यानी कि मॉडल के रूप में भी काम कर सकता है, एज वेल एज वो एक इंडिपेंडेंट मेन वर्ब के रूप में भी काम कर सकता है. तो ये चार्ट है तुम्हारा वर्ब का, और इसी चीज को यहां पे हमें काम करना है, इसी के ऊपर हमें काम करना है टेंस में. आ गया ना समझ में? चलो अब देखते हैं बाकी सभी चीज इसके अंदर. कोई पूछेगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब किसका एग्जांपल है तो क्या बताओगे? मेन वर्ब का. कोई पूछेगा ट्रांजिटिव वर्ब किसका एग्जांपल है तो क्या बताओगे? मेन वर्ब का. कोई पूछेगा कि मॉडल्स किसका एग्जांपल है तो बताओगे ऑक्सिलरी वर्ब का, सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट है वो, यानी कि मेन ऑक्सिलरी वर्ब का नीचे जो सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब है उसका हिस्सा है. कोई पूछेगा कि टू डू फॉर्म किसका हिस्सा है तो क्या बोलोगे? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का हिस्सा है, क्योंकि सब काम आएगा. अभी एवरीथिंग विल बी यूज्ड इन टेंस, हर एक का जरूरत है टेंस में. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब समझते हो ना स्टूडेंट? फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है बताओ तो, जो स्पीकर है. सेकंड पर्सन का मतलब क्या होता है, जो लिसनर है. और थर्ड पर्सन का मतलब क्या है, जिसके बारे में चर्चा हो रहा है. करेक्ट. तो देखो एक तो बात हम लोग समझ लिए कि मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है. हाँ देखो अब यहाँ पे समझो स्टूडेंट, आई के साथ पहले बात करते हैं हम लोग, आई के साथ. हाँ फर्स्ट पर्सन यदि मैं सिंगुलर का बात करूं तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होगा बताओ? आई. और प्लुरल क्या हो जाएगा? वी. तो ऑक्सिलरी वर्ब देखो, ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या लग सकता है आई के साथ, ऑक्सिलरी वर्ब. और यहां पे मेन वर्ब देखते हैं. हाँ क्या क्या लग सकता है ऑक्सिलरी वर्ब? एम लग सकता है ना? वेरी गुड. हैज लग सकता है. यदि पास्ट टेंस का बात हो तो हैड लग सकता है. सही बात है ना? ऑक्सिलरी वर्ब का मैं बात कर रहा हूँ. वी के साथ क्या लग सकता है ऑक्सिलरी वर्ब? आर लग सकता है ना? हैव लग सकता है. यदि बात पास्ट का हो तो हैड भी लग सकता है. ये बात की हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का. यदि मैं बात करूँ मेन वर्ब का, मेन वर्ब, तो आई के साथ मेन वर्ब क्या क्या लग सकता है? वी वन लग सकता है ना? आई गो टू मार्केट. वी टू भी लग सकता है, वी थ्री भी लग सकता है, वी फोर भी लग सकता है, बट वी फाइव कभी नहीं लगेगा आई के साथ. आया समझ में? वी फाइव नहीं लग, आई गोज टू मार्केट लिख सकते हैं क्या? कभी नहीं. उसी तरह वी देखो, जो आई फॉलो करेगा उसी तरह वी भी फॉलो करेगा, सेम. तो ये फर्स्ट पर्सन का ट्रीटमेंट हो गया, फर्स्ट पर्सन का ट्रीटमेंट हो गया. सेकंड पर्सन देखो, सेकंड पर्सन में यू क्या है? यू दोनों ही है ना? यू सिंगुलर भी है, साथ साथ यू प्लुरल भी है. तो यू के साथ क्या क्या लग सकता है ऑक्सिलरी वर्ब बताओ जरा? हाँ आर लग सकता है. और क्या लग सकता है? हाँ वो लग सकता है. वेरी गुड. सही बात है ना? टू बी फॉर्म में वो भी हो सकता है ना? सही बात है. और क्या लग सकता है? हैव लग सकता है. और यदि पास्ट टेंस बात हो तो क्या हो सकता है? हैड हो सकता है. उसी तरह ये चलो ऑक्सिलरी वर्ब का बात हो गया. अब यदि मैं मेन वर्ब का बात करता हूँ तो यू के साथ क्या क्या लग सकता है स्टूडेंट? वी वन लग सकता है, वी टू लग सकता है, वी थ्री लग सकता है, वी फोर लग सकता है, बट वी फाइव लगेगा क्या? नहीं लग सकता है. समझ गया ना? इस चीज को लिखते रहना है ठीक से. थर्ड पर्सन क्या हो सकता है? सिंगुलर क्या हो सकता है थर्ड पर्सन? ही हो सकता है, सी हो सकता है, और ईट हो सकता है थर्ड पर्सन में. और इसमें थर्ड पर्सन में क्या हो सकता है? ये चलो सिंगुलर है, प्लुरल क्या हो सकता है? दे हो सकता है ना, या फिर नेम्स ऑफ पर्सन्स, बहुत सारे पर्सन्स का नाम है तो.
और इसमें नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ सुरेश रमेश भी तो सिंगुलर हो सकता है ना, नेम ऑफ एनी पर्सन या एनी प्लेस, पर्सन या प्लेस, ये सिंगुलर हो गया। जैसे मुकेश हुआ, दिनेश हुआ, रमेश हुआ, दिल्ली हुआ, पटना हुआ, ये सिंगुलर है कि नहीं है? बट थर्ड पर्सन है ही है। ही सी इट क्या है बच्चे लोग? प्रोनाउन है वो। क्या है वो? प्रोनाउन है। ये क्या है? ये नाउन है। ये प्रोनाउन है ना, ये क्या है? नाउन है। तो हम ये चर्चा कर रहे हैं किसका? हम चर्चा कर रहे हैं सिंगुलर का। ये किसका चर्चा कर रहे हैं? प्लुरल का चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या ऑक्सिलरी वर्ब लग सकता है, यहाँ पे क्या क्या ऑक्सिलरी वर्ब लग सकता है बताओ? ही के साथ क्या लगेगा हमेशा? इज लगेगा ना। हाँ, वेरी गुड। उसके बाद यदि पास्ट का हो तो क्या लग सकता है? वॉज लग सकता है ना। हाँ, हैज लगेगा, हैव नहीं आएगा जी यहाँ पे। क्या लगेगा? हैज लगेगा। और पास्ट टेंस में हैड लगेगा। यहाँ पे देखो, दे है तो दे के साथ क्या आएगा? ऑलवेज आर। पास्ट के बाद तो क्या होगा? वा, हैव, हैड। जहाँ तक सवाल है वर्ब का, देखो ही सी इट के साथ कौन सा वर्ब आ सकता है? खाली बी वन नहीं आएगा, काट दो बी वन। सॉरी, हाँ, बी वन नहीं आएगा। क्यों? इसके बदले में क्या आएगा? वी टू, वी थ्री, वी फोर, वी फाइव, वी फाइव तक आएगा। वी टू, वी थ्री, वी फोर, वी फाइव तक आएगा। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? बी वन नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, जैसे सिंपल समझो, ही गो टू ए टेम्पल हो सकता है क्या? ही गोस टू ए टेम्पल हो गया ना। तो गो तो कभी भी नहीं बैठेगा यहाँ पे, इसलिए मैंने वी वन को काटा है। बट वी टू, वी थ्री, वी फोर, वी फाइव आ सकता है यहाँ पे। उसी तरह देखो, दे के साथ क्या आ सकता है? वी वन आ सकता है ना, बिल्कुल। वी वन आ सकता है, वी टू आ सकता है, वी थ्री आ सकता है, वी फोर आ सकता है, बट वी फाइव कभी नहीं आएगा। चलो इसको लिखो। अब इसके बारे में समझ में आएगा जब इसको अप्लाई करेंगे हम लोग टेंस में। मैं ये सब चीज़ बेसिक्स, ये आपको पता होना चाहिए कि आई के साथ किसका कॉम्बिनेशन बैठेगा, वी के साथ किसका कॉम्बिनेशन बैठेगा, दे के साथ किसका कॉम्बिनेशन बैठेगा, तभी तो सेंटेंस सही लिख पाओगे। तो कोई पूछेगा कि टेंस का मतलब है क्या, बताओगे? एक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम या वर्ब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ साथ। जैसे अच्छा, पहले इसको लिख लो, तेज से लिख लो इसको पहले। टेंस कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट? थ्री टाइप्स। अब फर्दर डिवाइड करेंगे तो हर एक टेंस चार टाइप का होता है, सही बात है ना। यानी कि टोटल ओवरऑल पढ़ेंगे तो कितना टाइप्स पढ़ेंगे? 12 पढ़ेंगे, 12 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। देखो, चलो दूसरा इंक भी यूज करते हैं आज। पहले रेफरेंस देखते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस, फिर देखेंगे हम लोग पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, उसका देखेंगे हम लोग फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट वन क्या होगा बताओ? सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पीटी लिख रहे हैं तो हम प्रेजेंट टेंस लिख रहे हैं, समझ गए ना। हाँ,
अच्छा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस का किस तरह स्ट्रक्चर बनेगा स्टूडेंट बताओ, तो इसमें क्या क्या कौन सा भर्व यूज होगा? चलो भर्व का ही केवल बात कर लेते हैं यहाँ पे, या तो यहाँ पे V1 बैठेगा या फिर V5। सही बात है ना, यहाँ या तो V1 बैठेगा या फिर V5 बैठेगा। चलो सेकेंड देखते हैं स्टूडेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, आप कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? हाँ, V4 या फिर VING फॉर्म, एक ही बात हुआ ना। हाँ, ये वर्ब अप्लाई होगा। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? ये V1 या V5 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किस तरह का यहाँ पे, यदि सब्जेक्ट यहाँ पे आई होगा तो V1 यूज होगा, और यदि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या होगा? V5 होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा टेंस लगेगा यहाँ पे? वेट लगेगा। सही बात है। फोर देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा बताओ यहाँ पे? हाँ, इसमें यदि आई क्या लिखोगे? हाँ बोलो तो, जैसे एक कोई सेंटेंस बनाना है, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2019, लेट्स, तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका और भी चीज़ आएगा। और भी चीज़ आने का मतलब क्या, कि हैज हैव प्लस बीन प्लस VING फॉर्म, वही VING फॉर्म मतलब V4, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब इसका हो गया, अब इसका भी लगा सकते हो तुम लोग। फर्स्ट वन हो गया, फर्स्ट इधर भी कर दो सिंपल। हाँ, सिंपल पास्ट टेंस, ये P मतलब पास्ट टेंस, इसमें क्या यूज होगा वर्ब स्टूडेंट? V2। इस पर क्या होगा बताओ? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगेगा? देखो चलो इसको भी थोड़ा सा और एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। या तो यहाँ पर वॉज लग सकता है या फिर वो लग सकता है, सॉरी ये प्रेजेंट है, आई एम सॉरी, या तो एम लग सकता है या इज लग सकता है या फिर आर लग सकता है। सही बात है ना। हाँ, इसको थोड़ा और एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं यहाँ पे, या तो हैज़ लग सकता है या फिर हैव लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमको डिफ्रेंसिएशन अभी दिखाना है, इसलिए ये भी लिखना जरूरी है ऑक्सिलरी वर्ब, समझे? और यहाँ पे प्लस कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, हाँ यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट बाद तुरंत बैठेगा ये, बट सब्जेक्ट बाद यहाँ तुरंत नहीं आएगा, उसके बाद या तो एम आएगा, इज आएगा या आर आएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे एम इज आर है तो पास्ट में क्या होगा? वॉज या फिर वो प्लस VING फॉर्म या फिर V4। V4 को ही VING फॉर्म कहते हैं, इसलिए बार बार मैं स्लैश करके लिख रहा हूँ स्टूडेंट। ये देखो तीसरा, देखो पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? यहाँ पे क्या है देखो, तो हैज हैव है ना, यहाँ पे क्या होगा? हैड, हैड प्लस V3। फोर देखते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होगा? देखो यहाँ पे हैज हैव है ना, बस हैज हैव नहीं लिख के हमको केवल हैड लिखना है। हैड प्लस बीन प्लस VING फॉर्म या V4 फॉर्म। अच्छा, ये हो गया खत्म। यहाँ देखो सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे होगा, हाँ बताओ तो, मॉडल, मॉडल आ जाएंगे यहाँ पे। मॉडल का मतलब क्या होता है? वही जो बताए हैं इससे पहले, बताए ना मॉडल्स सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब, उसका यूज़ है ना, देख रहे हो सब जगह यूज़ है कि नहीं बताओ तो, दिख रहा है मॉडल प्लस V1। ये मॉडल का मतलब वही होता है, विल, सेल, मस्ट, मे एसेट्रा। नंबर टू देखो, फ्यूचर
कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट? मॉडल या तो विल या तो सेल प्लस बी, बी आ जाएगा यहाँ पे, आई विल बी प्लेइंग, बी प्लस वी आई एन जी फॉर्म, यानी कि वी फोर फॉर्म। तीसरा देखोगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताओ जरा? मॉडल ऑलवेज हैव प्लस वी थ्री, जब मॉडल लग जाए, यहाँ मॉडल आ जाएगा तो यहाँ पे यदि ऑक्सिलरी वर्ब आना होगा तो हमेशा प्लुरल ऑक्सिलरी वर्ब आएगा यहाँ, समझे क्या बोल रहे हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट। चौथा देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे, हैड प्लस बीन प्लस आई एन जी फॉर्म है ना, हाँ, इसमें मॉडल लगा दोगे फिर प्लस हैव कर दोगे प्लस बीन कर दो और प्लस वी आई एन जी कर दो, बात करता हूँ, और उसके बाद सिंस और फॉर ऐड करते रहना। ये तुम्हारा एक छोटा सा ब्लू प्रिंट अबाउट टेंस, कितना हो गया, चार प्लस चार प्लस चार, बारह। इसी को फर्दर और मॉडिफाई करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। किसी विद्यार्थी को दिक्कत पूछो। हाँ एक्चुअल में कुछ भी यूज हो सकता है, अधिकतर हम लोग विल और सेल का यूज कर रहे होते हैं, बट वी कैन यूज अदर मॉडल्स ऑल्सो। अब यदि मैं शुड भी बोलूँ तो शुड भी तो फ्यूचर का ही बात है, यू शुड कम हेयर, आए नहीं हो अभी आना चाहिए तुमको, यू मस्ट कम हेयर, ये भी तो फ्यूचर ही रेफरेंस है, यू कैन डू दिस वर्क, ये भी तो फ्यूचर रेफरेंस ही है। तो जो जो मॉडल आपको फ्यूचर रेफरेंस बता सकता है वो हर मॉडल्स को आप प्रयोग कर सकते हैं, ये अलग बात है कि अधिकतर हम लोग विल और सेल का यूज़ कर रहे होते हैं, समझ गए, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉडल लिखा है, नहीं तो मैं तो विल और सेल लिख के छोड़ देता बात को, समझ रहे हो ना, यहाँ पे मॉडल्स का परिभाषा दिए ना, और ये फ्यूचर का बात है, तो वैसे ही मॉडल्स को यूज़ करो जो फ्यूचर में यूज़ हो सकता है। अब तुमने कुड को यूज़ कर दिया, अरे कुड तो पास्ट में भी यूज़ हो सकता है, उसको क्यों देना, समझ रहे हो ना बात को क्या बोल रहे हैं। हाँ चलो अब देखो स्टूडेंट, वी वन वी टू बहुत इंपॉर्टेंट है, वी वन से लेके वी फाइव का ये जो ट्रांजिशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो इसको क्या क्या बोलते हैं इंग्लिश में वो भी समझ लेते हैं। देखो थोड़ा नामकरण करते हैं, चलो सिंपल तरीके से वी वन लेट से एग्जांपल गो है, सही बात है ना, सबसे सिंपल एग्जांपल गो, तो इसको बोले, इसको बोलेंगे बेस फॉर्म, क्या बोलेंगे, बेस फॉर्म वर्ब, इस वर्ब का नाम क्या है, बेस फॉर्म, वी टू है जैसे वेंट हो गया, इसको बोले पास्ट फॉर्म, समझे, इसको क्या बोलेंगे, पास्ट फॉर्म बोलेंगे, वी थ्री है जैसे गॉन हो गया, इसको बोले पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलेंगे, आ रहा है समझ में ना, वी वन को क्या बोलेंगे, बेस फॉर्म, ये बेस फॉर्म वाला वर्ब है, वी टू क्या बोलेंगे, पास्ट फॉर्म वाला वर्ब है, देखो डायरेक्ट तुम्हारा सिंपल पास्ट टेंस में यूज हो जाता है ये, वी थ्री को क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलेंगे, देखो नाम ऐसा है, यही नहीं कि खाली पास्ट में यूज होगा, नाम इसका ऐसा है, वी फोर देखो, वी फोर जैसे गोइंग हो गया, सही बात है ना, इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलेंगे, और जो वी फाइव है एग्जाम्पल गोस, इसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर वर्ब फॉर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिंगुलर वर्ब फॉर्म, क्योंकि हमेशा जो यूज होगा सिंगुलर वर्ब के लिए ही, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ही यूज होगा। तो पांच वर्ब को क्या क्या बोलते हैं समझ में आ गया ना, हाँ पहला वर्ब है उसको बेस फॉर्म वर्ब कहेंगे, दूसरा पास्ट फॉर्म वर्ब कहेंगे, तीसरा क्या कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब कहेंगे, वी फोर क्या है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब कहेंगे, और जो वी फाइव है उसको सिंगुलर फॉर्म वर्ब कहेंगे या सिंगुलर वर्ब फॉर्म कहेंगे, एक ही बात है,
सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोल सकते हो, सिंगुलर वर्ब फॉर्म भी बोल सकते हो, एक ही चीज है। आया समझ में? और हाँ बच्चे लोग, इससे कन्फ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे पास लगा है, यहाँ पे प्रेजेंट, उसे कोई लेना देना नहीं है, ये बस नोमेनक्लेचर है, बस नामकरण है। अच्छा ये भी तो प्रेजेंट में यूज होता ही है, आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क, आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क, वी3 लगा ना, हैव के साथ वी3 का कम्बिनेशन है, तो ये केवल नोमेनक्लेचर है, आप इसके पास से इसके प्रेजेंट से मत जाओ, ये उसका नाम है केवल, उसका केवल नाम है। आया समझ में? तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब ये नहीं कि केवल पास्ट ही में यूज होगा, वो प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है, पास्ट में भी यूज हो सकता है, एज वेल एज फ्यूचर में भी यूज हो सकता है, बस उसका नोमेनक्लेचर है, उसका नामकरण ऐसा है। समझ गए ना? चलो ये हो गया, चलो अब हम लोग प्रवेश करेंगे प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट मिटा देना ये, चलो आज थोड़ा फॉर्म देख लेते हैं। हाँ देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, यानी कि जो टोटल 12 टेंस है ना, 12 टेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। तो देखो स्टूडेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस से पहले समझो कि सेंटेंस किस टाइप का हो सकता है। यदि मैं अफर्मेटिव सेंटेंस का बात करता हूँ तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, उसी को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, उसी को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जहाँ पर हम लोग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को दे रहे होते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, ये क्या है? एक पॉजिटिव सेंटेंस। ये क्या है? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये क्या है? एक अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का ठीक उल्टा क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे आई एम नॉट ए टीचर, ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आई डोंट हैव एनी बुक्स, ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे आई प्ले, ये क्या हुआ? पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। और यदि मैंने कहा कि आई डू नॉट प्ले, ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानते हो, जिसमें क्वेश्चन मार्क हो, जिसमें क्वेश्चन मार्क हो। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जिसमें क्वेश्चन मार्क तो हो ही प्लस उसमें नेगेटिव भी हो। तो कैसे? देखो समझो, यहाँ पे देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, पहले करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब समझ गए ना? हाँ इसको लिख लो, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि इट गिव्स यू द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर इसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो इसका किस तरह बनेगा स्ट्रक्चर? पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट प्लस इज, पहले एम लिखते चलो, एम इज आर, एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है, हैज हैव, दूसरा स्ट्रक्चर ये बन सकता है, v1 और v5 प्लस, या तो उसमें ऑब्जेक्ट हो या फिर उसमें फ्रेज हो। अब इसको समझाना है मुझे, इसका मतलब है कि इसको तोड़ोगे तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक स्ट्रक्चर ये बन रहा है आपका, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर यदि और भी ज़्यादा हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो तो फ्रेज कह दोगे, सब्जेक्ट प्लस v1 v5 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर फ्रेज, तीनों ही पॉसिबिलिटी है सेंटेंस बनने का। देखो इज एम इज आर हो तो इसको क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ बींग। क्या बोलेंगे इसको? स्टेट ऑफ बींग।
अब मैं समझाता हूँ, मतलब रुको, स्टेट ऑफ बींग हैज हैव है तो क्या बोलेंगे इसको, स्टेट ऑफ पोजेशन, स्टेट ऑफ पोजेशन। और वी वन या वी फाइव है तो मेन वर्ब यूज किए ना यहाँ पे, वी वन और वी फाइव क्या मेन वर्ब है ना, इसको क्या बोलेंगे स्टेट ऑफ एक्शन, या स्टेट ऑफ वर्ब भी कह सकते हो, स्टेट ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ वर्ब, हाँ एक्शन ही बोलो, एक्शन वी वन, एक्शन वी वन से लेके वी फाइव तक डिनोट कर सकते हैं। तो क्या हुआ मतलब, मतलब ये हुआ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में केवल बात एक्शन तक ही नहीं है, बात स्टेट ऑफ बींग का भी होगा, बात स्टेट ऑफ पोजेशन का भी होगा, और साथ में स्टेट ऑफ एक्शन का भी होगा। स्टेट ऑफ एक्शन कब होगा, जब वी वन से वी फाइव होगा। और इसे पहले देखो तो दोनों ही ऑक्सिलरी वर्ब है ना, स्टेट ऑफ बींग कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एम इज आर आर से। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये तीनों सेंटेंस को देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखो, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट नंबर वन, आई हैव टू बुक्स, आई हैव टू बुक्स नंबर थ्री देखो, आई हैव टू बुक्स, आई गो टू ए टेम्पल, आई गो टू ए टेम्पल टू वर्शिप, आई गो टू ए टेम्पल टू वर्शिप फोर, आई प्ले, आई प्ले। अब यहां पर देखना स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, कोई काम कर रहे हो क्या, यानी कि तुम्हारे होने का बात कर रहे हैं हम, तुम क्या हो, तुम्हारा स्टेट ऑफ बींग क्या है, तुम्हारा स्टेटस क्या है, कोई कार्य हो रहा है क्या, यू सब्जेक्ट है, मैं यू कोई कार्य नहीं कर रहा है, ऐसा हो सकता है। सब्जेक्ट जरूरी नहीं कि परफॉर्मर रहे हमेशा, जिसके बारे में चर्चा हो रहा है सब्जेक्ट सेंटेंस में वो भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो ये जो स्टूडेंट है क्या ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि ये क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है स्टूडेंट। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्टेट ऑफ बींग का हिस्सा है वो। आई हैव टू बुक्स, आई हैव मेरे पास दो किताब है, हाँ ये जो बुक्स होगा चूंकि इसका लिंक है तो ये ऑब्जेक्ट होगा, बुक्स क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा, देखो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखे हैं, ठीक है फ्रेज छोड़ दो, काट दो फ्रेज, यहाँ पे फ्रेज का काम नहीं है, फुल स्टॉप करो यहाँ पे, सॉरी यहाँ गलती से काट दिए, यहाँ इसको काटो, यहाँ फ्रेज का जरूरत है। अरे समझ में क्या बोल रहे हैं, आई हैव टू बुक्स, ये जो बुक्स हैं क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और टू तो जान तो एडजेक्टिव है, दो किताब है, नंबर भी एडजेक्टिव हो सकता है, न्यूमरल एडजेक्टिव। अब तीसरा देखते हैं, यहाँ पे देखना, चलो तीसरा से पहले चौथा देखते हैं, आई हाँ प्ले, चलो आई प्ले एक और जोड़ देते हैं, आई प्ले क्रिकेट, चलो तो आई सब्जेक्ट हुआ, प्ले क्या हुआ मेन वर्ब हुआ, और क्रिकेट क्या हुआ ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ वो ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये हो गया, ये हो गया, और ये आपका ये हो गया। तो बस ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं तुम लोग को समझा सकूँ फ्रेज क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं था, आई गो टू ए टेम्पल टू वर्ड्स, तो टेम्पल के साथ क्या है और भी वर्ड अटैच है ना, यदि एक शब्द के साथ और भी वर्ड अटैच हो और जिसमें तुम्हारा ना ही वर्ब आए ना ही सब्जेक्ट आए, तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं, फ्रेज कहते हैं। तो यहाँ पे साइड में नोट करके लिख लोगे विद्यार्थी लोग कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें ना ही सब्जेक्ट हो और ना ही वर्ब हो, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं, फ्रेज कहते हैं। जब ये लिख ही रहे हो तो ये भी लिख लो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट हो और जिसमें वर्ब हो, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं, क्लॉज। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ए टेम्पल टू वर्शिप, ये पूरा कॉम्बिनेशन करोगे तो क्या है, एक फ्रेज पी है। तो अब हमारे दिमाग से ये चले जाना चाहिए या हमारे दिमाग से ये आइडिया ओमिट हो जाना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात केवल वी वन और वी फाइव तक ही सीमित नहीं है, इसके अंदर स्टेट ऑफ बींग भी आ सकता है और इसके अंदर स्टेट ऑफ पोजिशन भी आ सकता है, समझ गए ना। तो ये तो चर्चा किए थे किस पे, पॉजिटिव सेंटेंस पे, इस तरह का सेंटेंस नेगेटिव भी बन सकता है ना, इस तरह का सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी बन सकता है ना, और इस तरह का तुम्हारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बन सकता है, यानी कि तीन और बचा हुआ है, समझ गया ना।
तो ये चीज़ हम लोग आने वाले समय में करेंगे, बट ये स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है। और आप एक टेंस का स्ट्रक्चर समझ जाओगे तो आप सबका समझ जाओगे, इतना ईजी है रेप्लीकेट करना। इसलिए शुरू में जान लगा दो और बाद में अपने आप बनते चला जाएगा। दैट्स इट, कम्प्लीट।